आइए बातें शुरू करते हैं। लास्ट दो लेक्चर में हमने पढ़ा, लेक्चर नंबर वन, जहां पर हमने पढ़ा कि हम जब आसमान में देखते हैं या किसी भी आसमान में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक्चुअली हम पास्ट को देख रहे होते हैं, हम प्रेजेंट कभी देख ही नहीं सकते। इसके बाद हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग 20 बिलियन ईयर अगो, 20 अरब साल पहले एक भयानक धमाका हुआ, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। अल्टीमेटली आपकी गैलेक्सीज बनी, सोलर सिस्टम बना, सन बना और प्लैनेट अर्थ बना। इसके बाद में अर्थ के अंदर आपको ले गया था, जहां का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। उस समय आपकी मीथेन मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, अमोनिया मौजूद था और वाटर वेपर मौजूद था। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपका कौन कौन सी थ्योरीज आई जो आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ को बताती कि आखिर धरती पर जीवन आया कहां से। मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसका मतलब था मड या स्ट्रॉ से लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, जिसे लुईस पाश्चर ने ईस्ट के ऊपर और शुगर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था परमानेंटली। इसके बाद थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया थी, पैनस्पर्मिया कहती थी कि धरती पर जीवन जो है वो किसी बाहर दूसरे प्लेनेट से आया, किसी एक्सोप्लेनेट से आया है, वहां से किसी मेटेरॉइड के साथ कोई स्पोर आ गया होगा, उस वही फ्लरिश करता गया और ये 17 से 18 लाख की बायोडाइवर्सिटी हमारी तैयार हुई है। आज भी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स की फेवरेट आइडिया है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की थ्योरी कहती थी कि आपका जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया, आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और जब ये आपस में जुड़े तो सबसे पहले आपका बना था कोजरवेट। जब कोजरवेट के साथ आपका आरएनए आ गया, आरएनए जुड़ गया, तो वो कहलाया था यूबियॉन्ड। यूबियॉन्ड क्या थे? कंट्रोल्ड कोजरवेट। उसके बाद पहली सेल बनी जो आपकी एनारोबिक नेचर की थी। इसके बाद हमने आपको ये बताया था कि रिलीजियस थॉट क्या है। रिलीजियस थॉट के तीन कनोटेशन थे कि धरती आपकी 4000 साल पुरानी है। दूसरा थॉट था कि धरती पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म आज थे उतने ही पहले थे और उतने ही अंत तक रहेंगे, अर्थात कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। और तीसरा रिलीजियस थॉट था कि किसी में एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। ये तीनों बात चार्ल्स डार्विन ने एचएमएस बीगल की शिप के माध्यम से जगह जगह आइलैंड पे गए और उन्होंने देखा कि तरह तरह के ऑर्गेनिज्म जिनमें आपस में सिमिलैरिटी, अगर डिससिमिलैरिटी है तो सिमिलैरिटी भी है, जिससे पता चलता है इनके कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर होंगे और कॉमन एंसेस्टर वर्ल्ड आ गया, मतलब एवोल्यूशन की बात आ गई। सेम कॉन्सेप्ट बताया था मलाई आर्ची लोगों पे काम करने वाले अल्फ्रेड वैलेस ने। अब इसके बाद आज का लेक्चर यहां से शुरू होता है। सबसे पहले भाई एवोल्यूशन हो रहा है, विज्ञान तथ्य मांगता है, भाई विज्ञान प्रूफ मांगता है, हवा हवाई बातों पर विज्ञान बिलीव नहीं करता है। अगर आप कह दो भूत होते हैं ना, विज्ञान के एविडेंस दो, विज्ञान एविडेंस पे चलता है, अर्थात तथ्य दो, सबूत दो कि एवोल्यूशन हो रहा है। तो आज हम बहुत सारे सबूतों को डिस्कस करेंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसी लेक्चर में आएगा होमोलॉजी, एनालॉजी, जिससे एक सवाल कंफर्म है, और एडाप्टिव रेडिएशन भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एवोल्यूशन का एविडेंस क्या है, कैसे हमें पता चला कि एवोल्यूशन लगातार हो रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा कि फॉसिल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जीवाश्म जिसे हिंदी में बोलते हैं। जैसे हमारे पीछे इस समय एक डायनासोरस का फॉसिल है। देखो फॉसिल कुछ नहीं है, आपकी बॉडी के जो हार्ड पार्ट है, आपकी बॉडी में हार्ड पार्ट क्या है? बोन। अर्थात बोन आसानी से डिमिनरलाइज नहीं होती, बोन आसानी से गलती नहीं है, क्लियर। अर्थात बोन को गलने में कई हजार करोड़ साल लग जाते हैं। तो बोन क्योंकि आपकी बॉडी का हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट जब जैसे मान लो कोई मरता है तो स्किन गल जाएगी, उसका मांस गल जाएगा, लेकिन बोन बैक्टीरिया नहीं गला पाते हैं। अर्थात अल्टीमेटली आप जब जमीन खोदते हैं तो वहां पर आपको उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हार्ड पार्ट मिलता है, एंड दैट हार्ड पार्ट इज नोन एज फॉसिल, क्लियर। अच्छा, अब मेरी अगली बात सुनना। आप कभी गांव जाओ तो गांव में आपने देखा होगा जो पुराने मकान होते हैं उनके दरवाजे बहुत छोटे होते थे। क्यों आकाश, देखा है? उनके दरवाजे छोटे होते थे। एक्चुअली में वो दरवाजे छोटे नहीं थे, उस समय के लोग बौने नहीं थे बल्कि और लंबे चौड़े थे, तब दरवाजे और बड़े बनाए जाते थे। लेकिन आज अगर आप जाओ तो आपको झुक के निकलना पड़ता है, क्योंकि लगातार मिट्टी की लेयर ऊपर आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही है, आती जा रही, अल्टीमेटली मिट्टी ऊपर आ रही है, सॉइल ऊपर, भाई कहीं से हवा उड़कर आ गई वहां पर, गिर गई और अल्टीमेटली सॉइल वहां पर डिपॉजिट हो गई। डिपॉजिट होते 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 जो सॉइल है वो ऊपर आती जा रही है, दरवाजा उतना ही बड़ा है, दरवाजा उतना ही बड़ा है, लेकिन धीरे 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 कहीं से मिट्टी उड़ के आई और वहां पर डिपॉजिट हो गई, फिर मिट्टी उड़ के आई, फिर डिपॉजिट हो गई, फिर मिट्टी उड़ के आई, फिर डिपॉजिट हो गई। और ऐसे ही कई हजार साल तक अगर ऐसा होगा, आइए एक मिनट इसको थोड़ा सा बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। आइए अपन चलते हैं बोर्ड की तरफ। आइए
अब हम देखते हैं कि आखिर में कहना क्या चाह रहा था। मान लीजिए ये किसी का घर है, ठीक है, और ये हो गया उसके घर का दरवाजा, ठीक, इतना बड़ा, ठीक। अब अल्टीमेटली भाई सीधी बात है, अगल बगल जमीन होगी, ठीक। अब मान लो ये घर बहुत पुराना है, ठीक है, अब घर बहुत पुराना है तो स्वाभाविक सी बात है, मैं मिट्टी को पिंक कलर से दिखा दे रहा हूं, ठीक। घर बहुत पुराना है तो रोज कोई झाड़ू लगा नहीं रहा, हवा के माध्यम से मिट्टी उड़ती हुई आई और यहां पर जमा हो गई, ठीक। अब दरवाजा पहले की तुलना में क्या हो गया, छोटा। फिर और मिट्टी आई, दूसरे कलर से दिखा दे रहा है, ठीक। फिर क्या हुआ, एक दिन फिर आंधी चली, और मिट्टी आई, ठीक। अब को नोटिस करिए, दरवाजा उतना ही बड़ा है, मिट्टी का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्लियर। अब नीचे वाली मिट्टी पर ऊपर वाली मिट्टी क्या लगा रही होगी, प्रेशर। भाई नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या लग रहा होगा, प्रेशर। और मिट्टी पर जब प्रेशर लगाओगे तो मिट्टी कंडेंस हो जाएगी। और बेटा चट्टान और मिट्टी में क्या फर्क है, भाई मिट्टी को कंडेंस कर दो तो चट्टान बन जाती है, चट्टान को रगड़ के उसका भुरभुरा फॉर्म क्या कहलाता है, मिट्टी। भुरभुरा फॉर्म ऑफ चट्टान इज कॉल्ड मिट्टी, बात खत्म। चट्टान को तोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल भुरभुरा कर दो तो वो आपका क्या कहलाएगा, मिट्टी। मिट्टी को कंडेंस कर दो तो वो क्या बन जाएगा, चट्टान। अब जो मिट्टी आई वो नीचे की तरफ लगा रही होगी प्रेशर, तो नीचे वाला, ये जो सबसे नीचे वाली सॉइल थी, अब वो कंडेंस होने लगेगी, और कंडेंस होकर कौन बनाए, क्या बनाएगी, रॉक। क्लियर है यहां तक? अब समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए अभी मैंने बहुत अच्छा डायग्राम निकाला है, वो मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट अ सेकंड। अब इधर देखिएगा, मान लीजिए ये आपके सामने जो डायनासोरस है, भाई डायनासोरस जिस मिट्टी पर चले होंगे उसी मिट्टी पर मर के गिर गए, क्लियर। अब मैंने खुदाई करी, खुदाई करने के बाद मैंने देखा, अरे यहां तो डायनासोरस का जीवाश्म है, डायनासोरस का जीवाश्म अंदर क्यों मिला, क्योंकि जिस टाइम डायनासोरस थे उस टाइम डायनासोरस इसी मिट्टी पर चले होंगे, अरे जो आज अंदर चली गई तभी तो खोदने पे मिलता है जीवाश्म। अब क्या हुआ, डायनासोरस इसी मिट्टी पर चले और इसी पे मर गए, फिर ऊपर धूल जमती गई और प्रेशर लगा, प्रेशर की वजह से क्या हुआ, वो मिट्टी किसमें बदल गई, अगल बगल की चट्टान में, क्लियर। और अब कैसे पता चलेगा कि इस डायनासोरस की उम्र कितनी है, समझिए मेरी बात, कैसे पता चलेगा इस डायनासोरस की उम्र कितनी है। तो देखो भैया, डायनासोरस की उम्र या किसी भी जीव की उम्र, अगर जो हमें फॉसिल के फॉर्म में मिल रहा है, जीवाश्म के रूप में मिल रहा है, जानने का सबसे बेहतरीन तरीका है रेडियो एक्टिव मेथड, क्लियर, जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं। देखो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है क्या, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो है जिनसे अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन निकले, क्लियर। और अगर अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन निकलेगा तो सीधी सी बात है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट क्या होने लगेगा, कम। तो चट्टान में बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आप पढ़ते हैं हाफ लाइफ, क्लियर, T1/2। तो हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ होती है, अर्थात वो एक कांस्टेंट रेट से डिके हो रहा होता है। मैंने देखा मिट्टी में रेडियो एक्टिव, कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उठा लिया, यूरेनियम उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, मैंने देखा मिट्टी में ये वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस घटकर इतना हो गया है। इसका मतलब जितने भाई, अगर हमें पता है कि मान लो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो 4000 साल में उसका अमाउंट आधा हो जाता है और यहां पर हमें उसका अमाउंट आधा मिला, इसका मतलब क्या हुआ, ये चट्टान कितने साल पुरानी हुई, 4000 साल पुरानी लगभग निकाला जाता है। अगर ये चट्टान 4000 साल पुरानी है, डायनासोरस उसी पे चल रहे होंगे तो डायनासोरस भी वो 4000 साल पुराने, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके रेट कांस्टेंट है। हमें पता है कि इतना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खत्म होगा इतने समय में, हमें पता 4000 साल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कम होकर इतना हो जाएगा, क्लियर। और हमें पता चला यहां पर उतना ही अमाउंट हमें मिला, मतलब 4000 साल इस चट्टान की उम्र हुई, तो लगभग डायनासोरस की भी वही उम्र होगी, क्योंकि डायनासोरस इसी मिट्टी पर चल रहे थे। ये एक एग्जांपल था, डायनासोरस 65 मिलियन ईयर को खत्म हो गए थे। तो अब इस तरीके से रेडियो एक्टिव मेथड से हम जान सकते हैं कि किसी भी फॉसिल की उम्र कितनी है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे, पहले अच्छे से समझिए कि चट्टान और मिट्टी में अंतर क्या है। मिट्टी को कंडेंस कर दिया, चट्टान बन गई, क्लियर। मैं आज ही एक्सप्लोर कर रहा था, एक हिस्ट्री चैनल था, उसमें एक राजस्थान की रानी थी, उनका किला था एबेंडेंट, मतलब एकदम बंद था बहुत सालों से। उस किले की, वो किला टोटल 4 मंजिल था, लेकिन 2 मंजिल मिट्टी के नीचे दब गया है, क्योंकि मिट्टी लगातार उड़ उड़ के वहां से आ रही होगी, क्लियर है वाली बात। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जहां से उड़ रही होगी मिट्टी वहां तो मिट्टी का अमाउंट कम हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसे ही तो हमें डायनासोरस के कंकाल मिल जाते हैं,
कि भाई डायनासोर जहां पे थे मान लो दब गए थे अंदर, वहां से मिट्टी बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया और मिट्टी उड़ा ले गया, और तभी हमें दिखी ऊपर डायनासोर की हड्डी। बिल्कुल ये होता है, अगर एक जगह मिट्टी बढ़ेगी तो एक जगह कम भी तो होगी, क्लियर है। तो उस रानी का महल जो था वो उसका 2 मंजिल महल मिट्टी के अंदर चला गया था, क्योंकि कोई साफ सफाई करने वाला था नहीं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, और सबसे ऊपर वाली मिट्टी लगाएगी नीचे वाली मिट्टी पर प्रेशर, और अल्टीमेटली नीचे वाली मिट्टी किसमें बदल जाएगी, चट्टान में। और इस वजह से हमें आज फॉसिल मिल रहे हैं। तो फॉसिल की उम्र जानने के लिए उसके बगल मौजूद चट्टान की उम्र जान लेंगे। चट्टान की उम्र कैसे जानेंगे? रेडियो एक्टिव मेथड से। अब एक पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा ये पॉइंट दिमाग में रखना है। मोस्ट एक्यूरेट एंड मॉडर्न मेथड टू नो द एज ऑफ फॉसिल। सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड क्या है? अब रेडियो एक्टिव मेथड यूज नहीं करते हम। सबसे ज्यादा बेहतरीन मेथड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। बस ये दिमाग में रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो अभी तक हम समझ गए, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के फॉसिल की एज कैलकुलेट करनी है तो हम उसे रॉक की एज जाननी होगी जिस पर वो पाया गया है। चट्टान की एज कैसे जानते हैं? जैसा कि हमें पता है चट्टान में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, और प्रत्येक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके रेट क्या होगा? कॉन्स्टेंट। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी कितने टाइम में होगी ये फिक्स होता है, अर्थात रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो भी उम्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मदद से जो भी आप उम्र चट्टान की निकालेंगे वही लगभग फॉसिल की उम्र होगी। अब हम बातें करेंगे थोड़ी आगे। दूसरा डायग्राम ये है आपके सामने, गौर से देखिए इस डायग्राम को। जो सबसे ऊपर लेयर होगी वो यंगेस्ट होगी, अर्थात वो अभी भी मिट्टी आई है। जो नीचे होगी वो उतनी ज्यादा हार्ड होगी, अर्थात ऊपर तो खोदना आसान होगा लेकिन नीचे जितनी नीचे होगी उतनी ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, यहां पर देखिए एक मछली पानी में तैर रही है, ठीक, और अल्टीमेटली मान लीजिए तालाब जो है सूख गया और उसमें मिट्टी पड़ गई, ठीक। अब देखो मछली का जीवाश्म यहां है, उसके ऊपर देखो एक छिपकली है, छिपकली चल रही है, मान लो ये भी मर गई, मरने के बाद यहीं पर मर गई, अल्टीमेटली फिर मिट्टी आई उसे ढक दी। अब ऊपर बंदर है, ठीक, अब बंदर जिस मिट्टी पर रहेगा उसी मिट्टी पर मरेगा, मर गया, अब देखो उसका जीवाश्म यहां आ गया। अब ऊपर इंसान दिखा रहा हूं मैं, अब ये भी मरेगा एक दिन। तो जितनी डीप जाओगे उतने पास्ट में जाओगे, क्या बात बोली है, जितनी डीप जाओगे उतने पास्ट में जाओगे, मतलब आसमान में जाओगे तो भी पास्ट में जाओगे, जमीन में जाओगे तो भी पास्ट में जाओगे, क्लियर। अब बातें करते हैं हम लोग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, आखिर एवोल्यूशन हो रहा है ये हम क्यों मान लें, समझिएगा मेरी बात, आखिर एवोल्यूशन हो रहा है ये हम क्यों माने। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंस मतलब क्या हो गया? सबूत। एवोल्यूशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा चेंज। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। फॉसिल की स्टडी करना, जीवाश्म की स्टडी करना, जीवाश्म में सर क्या स्टडी करेंगे? अरे वही उसकी हड्डियां स्टडी करेंगे, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आजकल की नई नई टेक्नोलॉजी से पूरा वो ऑर्गेनिज्म ही बना देते हैं, उसका कलर तक प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस होता है पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब समझिएगा, पैलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक। पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब फॉसिल की स्टडी करके ये जानना कि एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। याद करिए आज से 65 मिलियन ईयर एगो बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा मैंने क्या बोला, 65 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 65 मिलियन ईयर एगो मतलब 650 लाख साल पहले की बात कर रहा हूं, 650 लाख साल पहले की बात कर रहा हूं, 650 लाख साल पहले 65 मिलियन ईयर एगो धरती पर डायनासोरस समाप्त हो गए, ठीक। तो आज हमें फॉसिल किसका मिला? डायनासोरस का। और वहीं पर अगर आप आज के रिप्टाइल्स देखो जैसे क्रोकोडाइल, एलिगेटर जो आज मौजूद हैं, इनके बहुत सारे कैरेक्टर डायनासोरस से मैच करते हैं, ठीक। डायनासोरस का मुंह देखिए और क्रोकोडाइल एलिगेटर का मुंह देखिए, इनके जबड़े देखिए, टीथ देखिए, लगभग एक जैसे दिखते हैं, ठीक। इसका मतलब
क्रोकोडाइल और एलिगेटर, इन सबका एंसेस्टर कहीं ना कहीं कोई डायनासोरस की ही स्पीसीज रही होगी, अर्थात उन्हीं से उभर के ये लोग आए, तभी कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। और आज हमें वो भाई नियंडरथल का फॉसिल मिला, होमो हैबिलिस का मिला, ये सब ह्यूमन ह्यूमन के एंसेस्टर है। रामापिथेकस, डायोपिथेकस, होमो हैबिलिस हो, नियंडरथल, ये जितने भी आपको मिल रहे हैं, इनका जीवाश्म जो है इन उसके लक्षण हम लोगों से मिल रहे हैं, पर 100% नहीं मिल रहे हैं, 100% नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब एवोल्यूशन धीरे धीरे ग्रेजुअली हो रहा है। इसका जैसा डार्विन कहते थे कि एवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल होता है, अर्थात धीरे 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 धीरे। और कितने सारे फॉसिल रहे होंगे जो हमें मिले ही नहीं, जो बीच से कनेक्टिंग लिंक रहे होंगे। तो आज आज अगर हम प्रेजेंट डे वर्ल्ड की बात करें तो हम आपस में कितनी सारी सिमिलैरिटी रखते हैं, ह्यूमन, चिंपैंजी, ओरंगटन, मंकी, हम चारों में देखिए कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं। अगर हम लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, अगर हम सब के पास मेमोरी ग्लैंड है, इसका मतलब है ये कैरेक्टर हमारे में मैच कर रहा है। अगर हम सब की बॉडी पर हेयर्स हैं, अगर हम सब के पास पिन्ना है, अगर हम सब के हल्ट में 4 चैम्बर है, इसी वजह से तो इन सबको उठा के मैमल में रखा गया। भाई चीता हो गया, लॉयन हो गया, ह्यूमन हो गया, पैंथर हो गया, बेलेनोप्टेरा हो गया, आपका क्या नाम है, डॉल्फिन हो गई, अगर आप इन कैमल हो गया, रैट हो गया, चूहा, चूहा जिसे बोलते हैं, रैट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, अगर हम सब मैमल में रखे गए हैं तो क्यों रखे गए हैं, क्योंकि हम लोगों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। अरे भाई डिफरेंस तो है ही, तभी हम अलग अलग स्पीसीज हैं, पर सिमिलैरिटी जरूर होगी, तभी आप सबको उठाकर मैमल में रखे। अब मैमल में रखे हो इसका मतलब सबके पास मेमोरी ग्लैंड होगी, मैमल में रखो इसका मतलब सबके पास बॉडी हेयर्स होंगे, अब एक्सेप्शन पे बात मत करो, सबके पास बॉडी हेयर्स होंगे। अब मैमल में रखे हो तो ऑर्निथोरिंकस को छोड़कर सबके सब बच्चा दे रहे हैं, क्लियर। मैमल में रखे हो तो सबके पास पिन्ना होगा, मैमल में रखे हो तो सबके सब वॉर्म ब्लडेड होंगे, मैमल में रखे हो तो हर्ट में 4 चैम्बर होंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर इतने लक्षण मिल रहे हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं दूर ही सही हमारे एंसेस्टर कैसे होंगे, कॉमन होंगे, अर्थात हम किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ही उपजे हुए अलग अलग स्पीसीज हैं। एक कॉमन सेंस लगाओ यार, आपका और आपके भाई का या आपका या आपकी बहन के बहुत सारे लक्षण आपस में मैच करते हैं, क्योंकि आपके पूर्वज मतलब मम्मी पापा एक ही है, ठीक, इस वजह से इतने लक्षण मैच कर रहे हैं। और अगर हम सबके लक्षण मैच कर रहे हैं इतनी अलग अलग स्पीसीज की, कहां चूहा, कहां ह्यूमन, कहां एलिफेंट, सोचिए कहां लॉयन। लेकिन आपस में अगर लक्षण कुछ मैच कर रहे हैं, मतलब कोई एक स्पीसीज रही होगी जिसके इंडिविजुअल्स अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुए, अलग अलग एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ा और अलग अलग तरीके का उनके अंदर एडाप्टेशन हुआ, और अल्टीमेटली लक्षणों की दुकान ही कहलाती है एक स्पीसीज। दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, अर्थात पैलेंटोलॉजी, जो फॉसिल हमें मिल रहे हैं उनके लक्षण, उनके लक्षण प्रेजेंट डे ह्यूमन से भी मिल रहे हैं, और बहुत सारे फॉसिल ऐसे हैं जिन जो स्पीसीज अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जैसे बर्ड और आपका क्या नाम है, बर्ड और रिप्टाइल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स, एक बर्ड है एनसीईआरटी ने डायग्राम में बनाया है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो बर्ड और आपका रिप्टाइल में कनेक्टिंग लिंक है, इसके पास बीक भी है, चोंच भी है, उड़ती भी है, लेकिन दांत है, बर्ड में दांत नहीं होते हैं, और दांत बिल्कुल कैसे, रिप्टाइल्स जैसे, इसे बोलते हैं रिप्टाइल्स। इसे ना रिप्टाइल में रखा गया ना बर्ड में रखा गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिख लीजिएगा रिप्टाइल एंड बर्ड इज आर्कियोप्टेरिक्स, ना ये बर्ड थी क्योंकि दांत थे और चिड़ियों में दांत नहीं होते, ना ये रिप्टाइल था क्योंकि रिप्टाइल में चोंच नहीं होती, चिड़ियों में चोंच होती है, रिप्टाइल उड़ नहीं सकते हैं लेकिन बर्ड उड़ सकती है, तो ये बर्ड भी थे रिप्टाइल भी थे, अर्थात इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक थे। तो ये था हमारा पहला पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस। अब मैं नोट्स पढ़ रहा हूं, खुदाई के दौरान ऐसे बहुत सारे हमें फॉसिल मिले जिनमें से कुछ आज डिसअपियर हो गए हैं, जैसे डायनासोरस, और कुछ ऐसे हैं जो मॉडर्न डे ऑर्गेनिज्म से काफी कुछ मिलते हैं, जैसे जैसे क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ठीक है, इनका कैरेक्टर किससे मिलते हैं, डायनासोरस से। आगे नोट्स में लिखा है फॉसिल आर रिमेनेंट ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म, अर्थात जो जीवित थे कभी उनका हार्ड पार्ट ही क्या बनाया आज का फॉसिल। अब अगला एविडेंस आता है, सेकंड एविडेंस आपका आता है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, अर्थात जब हम भ्रूण विकास देखते हैं तो भी हमें बहुत सारी सिमिलैरिटी अलग अलग स्पीसीज के बीच में दिखती है। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस देने वाले साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। अब एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस क्या है सर, एम्ब्रायोलॉजी की स्टडी करके, भ्रूण विकास की स्टडी करके हम कैसे जान रहे हैं कि ये अलग अलग स्पीसीज के कॉमन एंसेस्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एम्ब्रायोलॉजिकल घटनाएं
अलग 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 स्पीसीज में या अलग अलग ग्रुप ऑफ स्पीसीज में अलग अलग हो, सॉरी सिमिलर हो रही होगी। भाई लक्षण अगर मैच करेंगे तभी तो हम बोलेंगे कॉमन एंसेस्टर है। अब हम एकदम झट बोले हमारा भाई एकदम काला, हम बौना, हम लंबे, मेरा भाई एकदम बौना, लक्षण बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा, तब थोड़ी एक माँ बाप की संतान हुए। और ये मैं जिन पूर्वजों की बात कर रहा हूँ, माँ बाप नहीं, बहुत दूर के माँ बाप है, बहुत ज्यादा दूर के, क्लियर, करोड़ों साल पहले की बात हो रही है। तो अब अगर अर्नेस्ट हैकल की बात करें तो अर्नेस्ट हैकल ने कहा फिश देखिए, एम्फीबिया देखिए, रिप्टाइल्स देखिए, बर्ड देखिए और मैमल देखिए, अर्थात वर्टिब्रेट के ग्रुप की बात कर रहे हैं, फिश, एम्फीबिया, रिप्टाइल, बर्ड और मैमल। कहते हैं इन सब में एक कैरेक्टर कॉमन है, एम्ब्रायोलॉजी के एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान सबके पास आपका हेड के पीछे, कहां बोला, हेड के पीछे इधर गिल स्लिट्स पाई जाती है। मैंने एनिमल किंगडम में पढ़ाया था, स्लिट मतलब क्या होती है, दरार, बिल्कुल ह्यूमन में भी होती है, आप में थी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान, यहां पर दरार थी, अर्थात आप उसके अंदर उंगली डाल सकते थे, लेकिन अब उसके ऊपर क्या आ गई, स्किन। तो अर्नेस्ट हैकल ने कहा फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, वर्ल्ड, मैमल का जब मैंने एम्ब्रायोलॉजी इसकी स्टडी करी, अर्थात एम्ब्रायो की स्टडी करी, तो मैंने पाया इन सब में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या पाए जा रहे हैं, हेड के पीछे गिल स्लिट्स, इस वजह से ये कैरेक्टर मिल रहा है, मतलब इन सब का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है, उसी से ये सब के सब जो है आपके बने हैं, अलग अलग एनवायरमेंट में जाकर, अलग भाई अलग अलग एनवायरमेंट में जाओगे तो अलग अलग तरीके से इवॉल्व होना पड़ेगा, अलग अलग एनवायरमेंट में जाओगे तो अलग अलग तरीके का एडाप्टेशन करना पड़ेगा, अलग अलग एडाप्टेशन करने के लिए कैरेक्टर अलग अलग हो जाएंगे, और कैरेक्टर जहां बहुत ज्यादा अलग हुआ, थोड़ा अलग हुआ तो नई नस्ल बनती है, बहुत ज्यादा अलग हो गया तो नई स्पीसीज बन जाती है, खत्म। लेकिन इनकी बात को वॉन बायर ने डिसप्रूव कर दिया, इन्होंने कहा नहीं भाई हम आपकी बात से सहमत नहीं है, इन्होंने कहा, वॉन बायर ने कहा हम मानते हैं इन सबकी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान आपका गर्दन के पास या हेड के पीछे गिल स्लिट पाई जाती है, लेकिन एडल्ट में सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है, फिशेस में, बाकियों में एडल्ट में नहीं पाई जाती। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान तो सब में पाई जाएगी, लेकिन सिर्फ एडल्ट में ये लक्षण मिलता है, किसमें, फिशेस में, इस वजह से इसको हम एविडेंस नहीं मान सकते, ये कहने वाले थे आपके वॉन बायर। पूछेगा अर्नेस्ट हैकल की एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस की थ्योरी को डिस्प्रूव करने वाला साइंटिस्ट कौन था, वॉन बायर, कि रीजन क्या था डिस्प्रूव करने का, उन्होंने कहा भैया एडल्ट में तो सिर्फ फिश में गया ना, एडल्ट में किसमें गया, सिर्फ फिश में, सब में जाना चाहिए था, तब हम मानते हैं इनका कॉमन एंसेस्टर है, गॉट इट। इस तरीके से इनकी थ्योरी को महत्व नहीं मिला। अब मैं अपनी नोट्स रीड कर रहा हूं, बहुत सुंदर नोट्स बनाई है, प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस की थ्योरी, अलग अलग स्पीसीज की एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट को जब गहनता से अध्ययन करने पर यह पता चला कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान कई लक्षण अलग अलग स्पीसीज होने के बावजूद सेम आ रहे हैं, कई लक्षण सेम आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर सेम होंगे। अर्थात क्या लक्षण यहां पर आ रहा था, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान सबके पास गिल स्लिट थी। वॉन बायर ने लेकिन एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस को यह कहकर नकार दिया कि हर स्पीसीज में गिल स्लिट एम्ब्रायो में तो है लेकिन एडल्ट में नहीं पाई जाती एक्सेप्ट फिश, इस वजह से इस थ्योरी को हम सही नहीं मानेंगे। अब बेटा यहां से लेक्चर का महत्व तो और बढ़ जाएगा क्योंकि ये तीसरा वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही एविडेंस है, सवाल यहीं से आता है, होमोलॉजी एंड एनालॉजी, इसको हम काफी वक्त देंगे, होमोलॉजी वर्सेस एनालॉजी, अर्थात ये होमोलॉजी क्या है और एनालॉजी क्या है, समझ रहा हूं। होमो का मतलब होता है, ये होमो और एना, समझना, होमो मतलब हो गया आपका सेम और एना मतलब हो गया डिफरेंट। अब सेम क्या, फंक्शन या एंसेस्टर, अर्थात ओरिजिन, उत्पत्ति, भाई उत्पत्ति किससे होगी, हमारे पूर्वजों से, एंसेस्टर से। तो अब समझना मेरी बात, होमो और एना ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अगर आपका आपके एंसेस्टर सेम है ठीक तो वर्ड आएगा होमोलॉजी, क्लियर, अर्थात आप आपस में क्या शो कर रहे हैं, होमोलॉजी, क्योंकि आपके एंसेस्टर क्या है, कॉमन। होमो और एना वर्ड ओरिजिन के लिए है, अगर ओरिजिन सेम है अर्थात आपके कॉमन एंसेस्टर हैं तो आपका वर्ड क्या होगा, होमोलॉजी, अर्थात ओरिजिन सेम, अगर आपके एंसेस्टर डिफरेंट हैं तो वर्ड क्या इस्तेमाल होगा, एनालॉजी।
अब होमोलॉजी और एनालॉजी कैसे एविडेंस है एवोल्यूशन का, ये अभी थोड़ी देर में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब हमने हड्डियों की स्टडी करी, किसकी, हड्डियों की, जब हमने हड्डियों की स्टडी करी तो हड्डियों की स्टडी करने पर हमें यह पता चलता है कि चीता हो गया, चमगादड़ हो गया, इंसान हो गया, हम सब में देखा गया कि जो फोर लिम की हड्डियां हैं अर्थात ह्यूमरस, ह्यूमरस इधर वाली को क्या बोला था, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ये हम सब में पाया जा रहा है, अर्थात ये चीता में भी आ रहा है, ये ह्यूमन में भी आ रहा है, और इसके बाद ये आपका वेल में भी पाया जा रहा है, बैट में भी पाया जा रहा है, चमगादड़ में भी पाया जा रहा है। ठीक, अगर ये हड्डियां सब में पाई जा रही हैं, इसका मतलब ये लक्षण मैच कर रहा है, फोर लिम की हड्डियां सेम पाई जा रही हैं सब में, चीता में भी, वेल में भी, चमगादड़ में भी और ह्यूमन में भी। ठीक, इसका मतलब ये लक्षण सेम है, किसके किसके बीच, मुझे लिखने दो बेटा, चीता, मेरी तरफ मत देखो बेटा, चीता भी पानी पीता है, चीता, वेल, चमगादड़ और ह्यूमन, हम सब में ये कैरेक्टर मैच हो रहा है, बोन्स ऑफ फोर लिम, बोन्स ऑफ फोर लिम। इसका मतलब अगर इतने भाई इतनी सारी हड्डियां एकदम एग्जैक्ट मैच कर रही हैं, पक्की बात है कि हम सब के बहुत दूर के पूर्वज सेम रहे होंगे, अर्थात किसी एक स्पीसीज से, जिसे हम बोलेंगे कॉमन एंसेस्टर, इन चारों में जो क्या होंगी, कॉमन, किसी एक स्पीसीज ही अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुई और अलग अलग स्पीसीज का निर्माण हुआ। क्लियर, अब समझो मेरी बात, मान लो इसी स्पीसीज के कुछ इंडिविजुअल थे, ठीक, उन्हें भागने की मतलब आवश्यकता पड़ी उन्हें भागने की, अब चाहे प्रेडेटर से बचने के लिए भाग रहे हो, चाहे प्रे को कैप्चर करने के लिए भाग रहे हो, भाई उन्हें देखो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पहले क्लियर कर लो, अलग अलग एनवायरनमेंट पूरे लेक्चर में रिपीट होगा। एनवायरनमेंट मतलब नेचर, कोई भी जो आपको स्ट्रेस दे, आपके चारों तरफ जो कुछ है वो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर एनवायरनमेंट, सॉइल एनवायरनमेंट, बायोडायवर्सिटी आपके अगल बगल क्या है, एनवायरनमेंट, आपका किसी जानवर का प्रेडेशन प्रेशर बढ़ गया, वो भी क्या हो गया, एनवायरनमेंट, प्रेडेशन प्रेशर मतलब शिकारी बहुत ज्यादा बेहतरीन शिकारी हो गया, वो भी एक एनवायरनमेंट, आपके चारों तरफ जो कुछ आपके ऊपर फर्क डाल रहा है वो आपका कहलाता है एनवायरनमेंट। तो मान लो इसके कुछ इंडिविजुअल, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, अपने शिकारी से बचने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए उन्हें तेज भागने की आवश्यकता थी, ठीक, तो उन्होंने क्या किया, वो किस में डेवलप हो गए, चीता में, फोरलिम की हड्डियां आज भी वही हैं, लेकिन अब फंक्शन अलग हो गया ड्यू टू एनवायरनमेंट, इन्हें भागने की जरूरत थी, क्लियर, तो यहां पर इनकी हड्डियों का क्या काम है, फास्ट रनिंग, क्लियर। अब मान लो इनके कुछ इंडिविजुअल पानी में चले गए, ठीक, क्योंकि मान लो कुछ इंडिविजुअल अपना साइज बहुत तेजी से बढ़ने लगा उनका, अब साइज तेजी से बढ़ने लगा तो बहुत भारी चीज, बहुत ज्यादा भारी चीज, अब जो बहुत भारी एनिमल होंगे वो आपके पाए जाएंगे समुद्रों में, क्योंकि पानी की बायंसी उन्हें कंट्रोल कर लेती है, अगर वेल जो है कम पानी में आ जाए तो वेल मर जाएगी, क्योंकि वेल का खुद का वजन उसी के अंगों को डिस्ट्रॉय कर देगा, तबाह कर देगा, इसलिए वेल पानी में रहती है, भाई वेल के पास तो लंग्स भी, आ जाए जमीन पे आ जाए, जैसे जमीन पे आएगी तो ऊपर वाले अंग नीचे वालों पे इतना प्रेशर लगाएंगे कि अल्टीमेटली एक अंग दूसरे अंग को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कुछ इंडिविजुअल पानी में चले गए तो वहां पर फोर लिम का काम क्या हो गया, तैरना, क्लियर। अब देखो इसका अलग एनवायरनमेंट सामना हुआ, इसका मान लो प्रेडेटर से सामना हुआ, इसको मान लो साइज बड़े होने की वजह से कुछ इंडिविजुअल आपके तैरने, फोर लिम की हड्डियों को तैरने में इस्तेमाल करने लगे। अब मान लो कुछ ऐसी घटना घटी कि प्रेडेटर बहुत ज्यादा खतरनाक था, इतना खतरनाक था, दौड़ा दौड़ा मार रहा था, अब उससे कैसे बचे, ठीक, लेकिन प्रेडेटर दौड़ता तेज था, उड़ नहीं पाता था, तो कुछ लोगों ने उन्हीं हड्डियों का इस्तेमाल उड़ने में कर लिया और वो बन गए क्या, चमगादड़। एकदम क्लियर ये वाली बात। अब वही काम ह्यूमन ने क्या किया, अपने फोर लिम का काम अपनी ग्रिप बनाने के लिए, ताकि वो भाला हथियार तेजी से फेंक सके, ग्रिप बनाने के लिए उसने कर लिया इस्तेमाल। तो चारों का सामना बताइए पहले, सेम एनवायरनमेंट से हुआ या अलग अलग, अलग अलग एनवायरनमेंट का सामना हुआ, एंसेस्टर सेम थे तभी तो हड्डियां आपस में मैच कर रही हैं, हड्डियां मैच कर रही है मतलब लक्षण मैच कर रहा है, मतलब एंसेस्टर दूर के सेम होंगे, उन्हीं एंसेस्टर के कुछ इंडिविजुअल को अलग एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ा, कुछ को अलग, कुछ को अलग, कुछ को अलग।
अलग अलग एनवायरमेंट में जाने की वजह से हड्डियां आज भी वही हैं, लेकिन सबके फंक्शन क्या हो गए हैं, अलग अलग। इनका फोर लिम का फंक्शन तेज भागना हो गया, इनका तैरना हो गया, इनका उड़ना हो गया, और इनका किसी चीज पे ग्रिप बनाने का हो गया। तो अल्टीमेटली दिस इज होमोलॉजी। जहां पर ओरिजिन तो सेम थी, क्या बोला, ओरिजिन सेम, अगर ओरिजिन सेम, ओरिजिन सेम तो कॉमन एंसेस्टर सेम, ओरिजिन सेम तो कॉमन एंसेस्टर होंगे, क्लियर, अर्थात उत्पत्ति एक जगह से हो रही है, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट, अलग अलग एनवायरमेंट में जाने की वजह से, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट, क्लियर, ऑर्गन्स हैव डिफरेंट फंक्शन, सबके फंक्शन आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो किसी को कुछ सामना करना पड़ा, किसी को कुछ सामना करना पड़ा, किसी की साइज बढ़ गई तो पानी में चला गया, उसने तैरने लगा उसी की मदद से, अब कोई शिकारी से बचने के लिए तेज भागने लगा, कोई मान लो शिकारी इतना खतरनाक कुछ इंडिविजुअल पे अटैक कर रहा था तो उन्होंने उड़ने लगे, अब आओ बेटा ऊपर आओ तुम, और कुछ अपनी ग्रिप बनाने के लिए, जैसे ह्यूमन ग्रिप बनाने के लिए फोर लिम का इस्तेमाल किया। तो चारों के एंसेस्टर सेम थे क्योंकि लक्षण मिल रहा है, ओरिजिन सेम मतलब कॉमन एंसेस्टर, लेकिन अलग अलग एनवायरमेंट का सामना होने की वजह से ऑर्गन के अलग अलग क्या आए, फंक्शन, दिस इज कॉल्ड होमोलॉजी, क्लियर है। और अच्छे से देखो इसका एक मैं प्यारा सा चार्ट भी बना देता हूं, इधर देखो ये गोला बना दिया, किसी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको लिख दिया मैंने कॉमन एंसेस्टर, ठीक, कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, इससे ये स्पीसीज निकल रही। सर ये तो मुझे लग रहा है सूर्य से किरणें निकल रही हैं। हाँ, अडाप्टिव रेडिएशन अभी यही आएगा, रेडिएट होना अभी आएगा। अब इसका सामना हुआ अलग एनवायरनमेंट से, इसका अलग एनवायरनमेंट से, इसका अलग एनवायरनमेंट से, इसका अलग एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट का नाम दे दे रहा हूं ए बी सी डी, क्लियर। तो ये स्पीसीज अलग बनी, ये स्पीसीज अलग बनी, ये स्पीसीज अलग बनी, ये स्पीसीज अलग बनी, एंसेस्टर सेम लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में जाने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुए, अलग अलग तरीके का अडाप्टेशन किया, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर डेवलप किए, और जब कैरेक्टर थोड़े बदले तो नई नस्ल बनी, और कैरेक्टर बहुत बदल गए तो नई स्पीसीज बनी। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, होमोलॉजी, क्लियर। आइए अब होमोलॉजी को लाइव समझते हैं। ये इधर, ये दोनों मेरे, मैं इनका पूर्वज हूं, करोड़ों साल पहले की बात है, मैं इन दोनों का पूर्वज हूं, ठीक है। अब समझिएगा, अगर ये दोनों इंडिविजुअल मेरी ही औलादे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इंडिविजुअल के जो लक्षण होंगे वो मेरे जैसे ही होंगे। लाइक बिगेट्स लाइक, अर्थात सम सम को पैदा करेगा, इंसान इंसान को पैदा करेगा और हाथी हाथी को पैदा करेगा। जेनेटिक्स की पहला पैराग्राफ यही है, क्लियर। तो इनके लक्षण अभी मेरे जैसे हैं, लेकिन हुआ क्या कि ये चले गए भाई पानी में, और ये इनको आवश्यकता हुई, इनका प्रेडेटर बहुत खतरनाक था तो इनको आवश्यकता हुई कि प्रेडेटर दौड़ा के हमें मार ले रहा है तो भैया हम उड़ेंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे पैदा हो, करोड़ों साल हो रहे हैं धीरे धीरे, इधर 10,000 करोड़ साल, 9,000 करोड़ साल, 8,000 करोड़ साल, 7,000 करोड़ साल, ऐसे होते 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 धीरे धीरे ये क्या करने लगे, ये पानी में चले गए तो ये तैरने लगे, तैरो, और ये प्रीडेटर से बचने के लिए अपने फोर लिम का इस्तेमाल किसमें करने लगे, उड़ने के लिए, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इन दोनों का एंसेस्टर कॉमन, लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट से सामना होने की वजह से, एक पानी में गया तो अपने फोर लिम का इस्तेमाल करने लगा तैरने में, और एक अपने प्रीडेटर से बचने के लिए उड़ गया, अर्थात फोर लिम का इस्तेमाल करने लगा उड़ने में। कॉमन एंसेस्टर ड्यू टू डिफरेंट, कॉमन एंसेस्टर कॉमन ओरिजिन ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, फोर लिम हैव डिफरेंट फंक्शन, पर अभी भी दोनों के पास ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है और फैलेंजेस है, क्लियर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी, कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर, कॉमन ओरिजिन, दैट्स व्हाई एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी, बट ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट दे आर शोइंग डिफरेंट फंक्शन विद द सेम ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड होमोलॉजी, होमो फॉर सेम ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट, दिस इज होमोलॉजी। आइए अब हम बातें करते हैं एनालॉजी पर, आइए अब हम बातें करते हैं एनालॉजी पे। एना मींस डिफरेंट,
ओरिजिन डिफरेंट है। ओरिजिन डिफरेंट कहने का मतलब कि जो स्पीसीज है उनके एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर नहीं है, अर्थात उनके एंसेस्टर अलग अलग है। अब देखना मतलब उनके आपस में लक्षण मैच नहीं करेंगे। मान लीजिए इधर मैंने एक एंसेस्टर ले लिया, ठीक, इधर मैंने एक एंसेस्टर ले लिया और इस एंसेस्टर को मैंने बोल दिया ए, और इधर एक एंसेस्टर ले लिया और इस एंसेस्टर को ले लिया मैंने बी, ठीक। एक एंसेस्टर ए से स्पीसीज आई, अलग अलग एनवायरनमेंट को फेस कर रही थी। अब एंसेस्टर बी से भी कोई स्पीसीज आई जो कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में गई, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बनाई। लेकिन मान लीजिए दोनों का सेम एनवायरनमेंट से सामना हुआ, सेम एनवायरनमेंट हमने क्या बोल दिया, जैसे पानी, क्लियर। अर्थात एंसेस्टर बी जो था, समझना अच्छे से, उसकी स्पीसीज आई और एंसेस्टर ए की स्पीसीज आई, हमने स्पीसीज का नाम रख दिया सी और डी, अरे कुछ भी मान ले यार, क्लियर। एंसेस्टर बी की स्पीसीज जो है वो भी पानी में आई और एंसेस्टर ए की स्पीसीज अर्थात डी वो भी पानी में आई, तो एंसेस्टर इनके अलग अलग है। और अगर एंसेस्टर अलग अलग है तो लक्षण दोनों के क्या होंगे, अलग अलग। लेकिन दोनों का सेम एनवायरमेंट से सामना हो रहा है, क्या बोला फिर समझिए, मैंने कहा एंसेस्टर बी, एंसेस्टर बी का बच्चा ये हुआ, एंसेस्टर ए का बच्चा ये हुआ, लेकिन दोनों के अलग अलग एंसेस्टर हैं, तो सी और डी जो स्पीसीज होंगी इनके आपस में लक्षण अर्थात फोर लिम के लक्षण मैच नहीं करेंगे, क्लियर है यहां तक। अब क्या हुआ, लेकिन दोनों पानी में आए अर्थात दोनों को सेम एनवायरमेंट फेस करना पड़ा, तो अब दोनों का अपने अपने फोर लिम से क्या करेंगे, तैरेंगे, ठीक, क्योंकि एनवायरमेंट क्या मिला इनको, सेम। सो डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट एंसेस्टर, डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट एंसेस्टर, तो जो बच्चे पैदा होंगे उनके लक्षण अब भी क्या होंगे, आपस में डिफरेंट। इसके फोर लिम में क्या पता हड्डी है ना हो, कार्टिलेज हो, और इसके फोर लिम में क्या पता हड्डी हो, क्लियर। अरे एग्जांपल दे दें, मान लो आपका ये जो है, ये है आपका, मान लीजिए मैंने बोल दिया ये हो गया आपका वेल, ठीक, ये है वेल, क्या है वेल, और मान लीजिए ये हो गया आपका ऑक्टोपस, ठीक, अरे चलो फिश ले लो, फिश ले लो। अब मछली भी तैरती है, ऑक्टोपस भी तैरता है, वेल भी तैरती है, एंसेस्टर दोनों के अलग अलग, ठीक, एंसेस्टर दोनों के अलग अलग, लेकिन सेम इन्वायरमेंट होने की वजह से मछली अपने फोर लिम अर्थात फिन से, पेक्टोरल फिन से, पेक्टोरल मतलब छाती, पेक्टोरल फिन से तैर रही है, और वहीं पर वेल अपनी फोर लिम से जो हड्डियों का बना हुआ है वो भी तैर रही है। तो एनाटोमिकल डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया एंसेस्टर अलग है तो लक्षण अलग होंगे, सीधी सी बात है, और लेकिन लक्षण अलग है लेकिन उसी अंग का इस्तेमाल सेम फंक्शन में किया जा रहा है, क्यों, इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट क्या मिला, सेम मिला। अब मान लो और एग्जांपल ले लो, 573 एग्जांपल दे देंगे, इधर इंसेक्ट ले लो इधर बर्ड ले लो, इधर इंसेक्ट ले लो इधर बर्ड ले लो, इंसेक्ट भी उड़ते हैं और बर्ड भी उड़ती है, ठीक, दोनों का सेम इन्वायरमेंट से सामना हुआ। अब उड़ किस ले रहे हो, ताकि जमीन पर रहने वाले जीवों से आप बच सकें। भाई इंसेक्ट, इंसेक्ट जो होता है वो भी उड़ रहा है और बर्ड भी उड़ रही है, दोनों के एंसेस्टर अलग अलग, इसका मतलब उड़ने वाले अंग के अंदर की सारी संरचनाएं क्या होंगी, अलग या सेम, अलग अलग, लेकिन सेम आवश्यकता होने की वजह से, सेम इन्वायरमेंट में आने की वजह से दोनों क्या करने लगे, उड़ने लगे। दिस इज कॉल्ड एनालॉजी, डिफरेंट ओरिजिन, व्हाट आई सेड अगेन रिपीटेड, डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट एंसेस्टर, सो डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बट ड्यू टू सेम इन्वायरमेंट दे हैव कॉमन फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। एना मतलब डिफरेंट, व्हाट डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट, एनवायरमेंट सेम सो फंक्शन सेम, लेकिन ओरिजिन डिफरेंट सो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, गॉट इट, ये कहलाती है आपकी एनालॉजी, और ये अंग आपस में कहलाएंगे एनालॉगस ऑर्गन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नाउ लेट्स सी अ डेमो, नाउ लेट्स सी एनालॉजी विद द आईज ऑफ, विद द व्यू ऑफ साहिल सिद्दीकी। ये मान लीजिए एक एंसेस्टर है, ये मान लीजिए दूसरे एंसेस्टर है, ये कोई दूसरे एंसेस्टर है ए, ये कोई दूसरे एंसेस्टर है बी, ये इनकी करोड़ों साल बाद की स्पीसीज ये नीचे बैठी हुई हैं, ये है सी और ये है डी, इस स्पीसीज का नाम अंकित है, इसका नाम तन्नु है। अब ये क्या है, ये बेटा तुरंत के एंसेस्टर नहीं है, पापा नहीं है, पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के बहुत दूर वाले पापा, ये कौन है,
बहुत दूर वाले पापा है। तो इन दोनों के एंसेस्टर अलग अलग, तो बताइए इनके हाथों की हड्डियों में, अभी नहीं पैदा नहीं हुई, नीचे बैठो, तो बताइए इनके हाथों में सिमिलैरिटी होगी या डिफरेंस होगा? डिफरेंस, क्योंकि एंसेस्टर अलग अलग है। लेकिन अब मान लीजिए ये दोनों सेम एनवायरमेंट में गए, और यहां पर सेम एनवायरमेंट क्या है, इतने में तैर लोगे? ठीक, यहां पर सेम एनवायरमेंट क्या है, पानी, क्लियर। अब जब ये पानी में जाएंगे, चलो धीरे धीरे पैदा हो, कई करोड़ सालों में एवोल्यूशन होते होते अब ये दोनों तैरने लगे, डिफरेंट एंसेस्टर, डिफरेंट एंसेस्टर, सो एनाटॉमिकल डिफरेंस होगा, लक्षण अलग अलग होंगे दोनों के हाथों के, किसी में कोई हड्डी किसी में कोई हड्डी, क्या पता किसी में हड्डी है नहीं है। लेकिन सेम एनवायरमेंट पानी में आने की वजह से इनके अंगों के फंक्शन क्या हो गए, सेम। दीज ऑर्गन आर कॉल्ड एनालॉगस विद ईच अदर, क्लियर, ऑर्गन एनालॉगस हैं, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एनालॉजी, क्लियर है ये बात। अच्छा एक छोटी सी चीज देखिए, बड़ी अच्छी चीज दिखाते हैं, अब आगे पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा, जब डिफरेंट हो गया, भैया क्या कर रहे हो, हाँ अब तैरो, हाँ आप एक चीज नोटिस करो, डिफरेंट एंसेस्टर के बच्चे अगर सेम एनवायरमेंट में आते हैं तो फंक्शन सेम हो जा रहा है, क्लियर। अब ये एडाप्टिव रेडिएशन में दोबारा आएगा। अब आइए हम लोग बात, थैंक यू, आइए अब भाई इन लोग के लिए थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम बातें करते हैं एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी एंड एनालॉजी। देखो होमोलॉगस अंगों के एग्जाम्पल बहुत हैं, एनालॉगस के कम है, ठीक है। तो एनालॉगस के याद कर लो, होमोलॉगस ऑटोमेटिकली जो बचा होमोलॉगस, एनालॉगस के एग्जाम्पल कम है तो एनालॉगस के याद कर लो, होमोलॉगस के एग्जाम्पल ज्यादा है तो होमोलॉगस के एग्जाम्पल आप याद मत करो, जो है वो एनालॉगस का दिमाग में रख लो, बाकी बचा होमोलॉगस छोड़ दो, और ऑप्शन इसी में से बनेगा जितना मैं आपको लिखाऊंगा, क्लियर। तो आइए फिर एनालॉजी में मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं एनालॉजी के लिए लिखूं तो मैं बोल सकता हूं ओरिजिन सेम नहीं, ओरिजिन डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट तो कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट नहीं, अब ड्यू टू सेम एनवायरमेंट हो जाएगा। ऑर्गन हैव डिफरेंट नहीं, सेम फंक्शन, क्योंकि एनवायरमेंट फेस कर रहे हैं सेम, एंड दिस इज फॉर एनालॉजी। होमो का अगेंस्ट है आपका एनालॉजी। आइए अब एग्जाम्पल लिखते हैं, साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद करने की कोई ट्रिक मत बनाइएगा, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी फर्जी ट्रिक पड़ी हुई है और बहुत डिटेल में आपको जानना भी नहीं है। इधर होमोलॉजी का एग्जाम्पल और एनालॉजी का एग्जाम्पल, कुछ लोअर एनसीईआरटी से भी एग्जाम्पल उठाए हैं, वो आपको इस समय के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्लियर। पहला एग्जाम्पल है फोर लिंब, ये तो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, एक्सप्लेन सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आपको दिमाग में रखना है। फोर लिंब ऑफ व्हेल, चीता, बैट्स एंड ह्यूमन, ये आपस में दिखाते हैं होमोलॉजी, और ये अंग आपस में कहलाएंगे होमोलॉगस ऑर्गन। थॉर्न ऑफ बगनवेलिया, थॉर्न ऑफ बगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ठीक। तीसरा है वल्टीब्रेट हार्ट्स, वल्टीब्रेट का अगर हर्ट हम देखें, एंड वल्टीब्रेट का ब्रेन, आपस में दिखाएगा होमोलॉजी, कैसे दिखाएगा मत जानिए, वल्टीब्रेट्स ब्रेन। आगे इसको लिख लीजिएगा, सवाल यहां से कंफर्म होता है। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, इसके बाद पोटैटो एंड जिंजर, पोटैटो एंड जिंजर जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड स्टेम है, लिख लीजिए ब्रैकेट में मॉडिफाइड स्टेम। सिक्स्थ है, छठा है रेडिश एंड कैरेट, अब ये कैसे आपस में होमोलॉजी दिखा रहे हैं बेटा, वो फालतू की बात होगी, फालतू का डिस्कशन होगा। अगर कोई, अगर किसी की जानने की बहुत इच्छा हो तो आप कमेंट में मार दीजिएगा, मैं आंसर लिख दूंगा। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट होमो के याद मत करिएगा लेकिन एना के याद करिएगा, लाइक कॉकरोच
हनी भी मॉस्किटो इनके माउथ पार्ट आपस में होमोलॉजी दिखाते हैं। खत्म। लास्ट है एक, कितने हो गए? 7। आठवां, मॉलिक्यूलर लेवल पर होमोलॉजी भी देखी गई है, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड एप्स। आपस में होमोलॉजी दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं जानना नहीं, ठीक है। आइए अब बात करेंगे एनालॉजी पर। वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा। चलिए पहला एनालॉजी याद करना है, स्टिंग ऑफ बीज एंड स्कॉर्पियन। दूसरा क्लोरा गोगेन सेल, सर ये कौन सी सेल होती नहीं जानना है। सेल ऑफ अर्थवॉर्म एंड लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स, बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है भाई। बटरफ्लाई का जो विंग होता है और बर्ड का जो विंग होता है दोनों में डिफरेंस है, ठीक, क्योंकि डिफरेंट एंसेस्टर है लेकिन कॉमन फंक्शन है उड़ने का। नेक्स्ट फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड व्हेल कॉमन फंक्शन है तैरना ड्यू टू सेम एनवायरमेंट। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन पेंगुइन बर्ड में है और डॉल्फिन आपकी मैमल है, सो डिफरेंट एंसेस्टर। स्वीट पोटैटो जो कि रूट का मॉडिफिकेशन है, ब्रैकेट में लिख लीजिए रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। पहले पढ़ाते थे अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो जिंजर टर्मरिक जमीकन कोलोकेशिया, अब नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन दोनों का कॉमन फंक्शन है फूड का स्टोरेज ओवर एंड आउट। इतने एग्जांपल्स हैं लेकिन आपको याद किसके रखने हैं, आपको एना वाले याद रखने हैं और होमो वाले आपको भूल जाने हैं। तो ये था हमारा अगला एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज होमोलॉजी एंड एनालॉजी। ये था तीसरा सबूत। नाउ अब हम अगर आगे बात करें चौथे सबूत की तरफ बढ़ें तो चौथा सबूत हमारा आता है, आप वीडियो देख के कर लीजिएगा लिख लीजिएगा। हाँ, चौथा सबूत आपका आता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोलॉजी। जब हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं, एंथ्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू ह्यूमन, ह्यूमन की वजह से भी बहुत सारी जगह देखा गया है वो एवोल्यूशन का सबूत है। अर्थात ह्यूमन लगातार अर्थ के एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है, पोल्यूशन बढ़ाकर, जानवरों को खाकर, जानवरों को मारकर, बायोडाइवर्सिटी को तबाह करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहा है और बहुत सारे पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं, बहुत सारा केमिकल जो है नदियों में गिर रहा है इंडस्ट्रियों से। इस वजह से ह्यूमन लगातार एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है, और अगर ह्यूमन एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है तो एनवायरनमेंट में हो रहे चेंज के प्रति आपको लड़ना पड़ेगा, जितनी भी स्पीसीज है उन्हें लड़ना पड़ेगा, खुद ह्यूमन को लड़ना पड़ रहा है, खुद साला एनवायरनमेंट में चेंज कर रहा है और खुद उस एनवायरनमेंट से लड़ रहा है। और एनवायरनमेंट से लड़ोगे तो तुम्हें अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, अगर चेंज नहीं करोगे तो एक्सटिंक्ट हो जाओगे, चेंज करोगे तो हो गया एवोल्यूशन होगा तो होगा एडाप्टेशन, और थोड़ा बहुत एवोल्यूशन हुआ तो नई नस्ल बनेगी, और ज्यादा एवोल्यूशन हो गया तो नई स्पीसीज बन जाएगी, क्लियर। अच्छा एक छोटी सी बात सोचो, प्रकृति में तो 4 अरब सालों से एवोल्यूशन हो रहा है, 4 अरब साल पहले धरती पर जीवन आया, ठीक, 4.5 अरब साल पहले धरती आई और ब्रह्मांड आया 20 अरब साल पहले ब्रह्मांड, 4.5 अरब साल पहले धरती और पहली बार जीवन आया 4 अरब साल पहले। जरा सोचिएगा मात्र पिछले 100 सालों में ह्यूमन ने ना जाने कितनी नई नई नस्लें बनाई हैं। आप डॉग की ले लो, डॉग की 100 से ऊपर नस्लें ह्यूमन ने खुद क्रिएट करी है, अलग अलग नस्लों के बीच में ब्रीडिंग करा करा के, क्लियर।
अलग अलग नस्लों के बीच में, भाई इधर ले लिया ग्रे हाउंड डॉग, उधर ले लिया आपने कोई दूसरा कुत्ता, अब आपने दो अलग अलग नस्ल के बीच में जब ब्रीडिंग कराओगे तो आपको एक नई नस्ल मिली। ये मात्र आपने 100 सालों में अचीव किया है कि आप एक नई नस्ल बना लेते हो, और 100 से ज्यादा कुत्तों की नस्लें हम अभी बना चुके हैं। तो सोचिए नेचर, पहला एविडेंस यही है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो सोचिए नेचर 4 अरब सालों से एवोल्यूशन कर रहा है, क्या ये पॉसिबल नहीं कि नेचर इतनी सारी स्पीसीज बना दे? आप 100 सालों में इतनी नई नई नस्ल बना दे रहे हो और नेचर आपकी इतने सालों में नहीं, मतलब इतने अरब सालों में नेचर में क्या एवोल्यूशन नहीं होगा? बिल्कुल हुआ होगा, तब जाके 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप की स्पीसीज बनी जो अभी तक खोजी गई हैं। अब मैं अपनी नोट्स पढ़ूंगा जो कि सबसे खूबसूरत पार्ट है लेक्चर का। मात्र पिछले 100 सालों में ह्यूमन ने एक ही स्पीसीज की अलग अलग नस्लों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराकर हजारों ह्यूमन मेड ब्रीड बना चुका है, तो क्या ये कार्य नेचर 4 अरब तो क्या ये कार्य करने के लिए नेचर को तो 4 अरब साल मिले? दिस शोज लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगातार क्या हो रहा है, एवोल्यूशन। अब पांचवा है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक, तो ये भी एक सबूत बन गया चौथा। पांचवा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, समझना इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, मेलानिज्म मतलब कालापन, ठीक, जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा कालापन, समझना। ये एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च को बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, समझना मैं क्या कह रहा हूं। दो अलग अलग समय की बात है, एक को कहते हैं प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, अर्थात जब उद्योगीकरण नहीं हुआ था। सर ये उद्योगीकरण क्या हुआ? हुआ क्या, 1920 के अल्ले पल्ले बहुत सारे उद्योग लगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी, और जहां इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी होंगी वहां पोल्यूशन बहुत होगा। एग्जाम्पल आपका कानपुर, भाई जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं यूपी में सब कानपुर में लगी हुई है। तो 1920 के दशक में इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एकाएक खुली, ठीक है, कॉटन की, कपड़ों की, बहुत सारी खुली, ठीक। वहीं पर 1850 के समय में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो मैं दो अलग अलग टाइम जोन को कंपेयर कर रहा हूं, एक 1850s की बात कर रहा हूं और एक कर रहा हूं 1920s, ठीक है। 1850s में इंडस्ट्री नहीं थी, तो मैं बोल दूंगा प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, अर्थात औद्योगिकरण जब नहीं हुआ था उस समय का समय, ठीक है। और 1920 क्या हो गया, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सारी लग गई थी, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, बहुत अच्छा है। इंग्लैंड में, इंग्लैंड का ये डाटा है, ठीक है, इंग्लैंड में देखा गया 1850 में जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो बताइए पोल्यूशन कम या ज्यादा? कम, पोल्यूशन बहुत कम, थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो हमेशा रहेगा, लेकिन इंडस्ट्रीज लग गई तो पोल्यूशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक। अब हमें पता है लाइकेन आर पोल्यूशन इंडिकेटर, अर्थात जहां पर पोल्यूशन नहीं होगा वहीं पर लाइकेन पाए जाएंगे, या पोल्यूशन जहां पर कम होगा, जब पोल्यूशन बढ़ जाता है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते, इस वजह से बोलते हैं लाइकेन आर पोल्यूशन इंडिकेटर। और लाइकेन का कलर था व्हाइट, किस कलर का लाइकेन था, व्हाइट कलर का, समझिएगा। तो अब बताइए 1850 के दशक में जो व्हाइट लाइकेन की मैं बात कर रहा हूं, 1850 के दशक में व्हाइट लाइकेन की मात्रा ज्यादा होगी या कम? ज्यादा, क्योंकि पोल्यूशन कम तो लाइकेन ज्यादा। और वहीं पर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में लाइकेन की मात्रा बहुत कम हो गई क्योंकि पोल्यूशन हो गया ज्यादा। लाइकेन के लिए पोल्यूटेंट जहर की तरह काम करता है, वो लाइकेन को मार देता है। यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई। अब एक्सपेरिमेंट था, अब जो ऑब्जर्वेशन था उसके लिए हमने मौथ को चुना, मौथ नहीं चुना, मौथ, MOTH, मौथ को चुना। देखा गया मौथ की दो वैरायटीज हैं, मौथ की दो वैरायटीज हैं, एक थी व्हाइट कलर की, ठीक, मौथ की टोटल वैरायटी कितनी है, दो, एक थी व्हाइट मौथ और एक था डार्क या ब्लैक या मेलानिक, जो बोलना बोलो, डार्क, ब्लैक, मेलानिक सब एक ही चीज है, क्लियर। एक मौत की वैरायटी क्या थी, व्हाइट, और एक क्या थी, डार्क। मौत को ही बोलते हैं इसका जूलॉजिकल नेम है बिस्टन बिटुलेरिया, बिस्टन बिटुलेरिया, BISTON, BISTON, BETULARIA, बिस्टन बिटुलेरिया। तो मौत की कितनी वैरायटी थी, दो, एक व्हाइट कलर की और एक डार्क। वीडियो को पॉज करिए और इसको छाप लीजिए, उसके बाद आगे बात करिए। आपके सामने ये एक पेड़ है, क्या है, पेड़, ठीक,
रेड कलर से बना दिया है, ठीक है, या चलो पेड़ का ही कलर ले लेते हैं। आपके सामने ये मैंने पेड़ बना दिया, ठीक, ये पेड़ का तना है, ठीक। अब क्या हुआ समझिएगा, पहले हम देखेंगे प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड की क्या कहानी है। 1850s के समय पर इंडस्ट्रीज नहीं थी, पोल्यूशन कम था, पोल्यूशन कम मतलब लाइकेन की मात्रा ज्यादा, लाइकेन पूरे के पूरे पेड़ को ढका हुआ था, समझिएगा अच्छे से, लाइकेन पूरे के पूरे पेड़ को ढका हुआ था। अब आप लोग देखिएगा नहीं बोर्ड के ऊपर, प्लीज देखिएगा नहीं, लाइकेन पूरे के पूरे पेड़ को ढका हुआ था। ठीक, जिसकी वजह से पेड़ कैसा दिखता था, बिल्कुल व्हाइट, लाइकेन की मात्रा ज्यादा थी। इधर देखिए, अब मॉथ दो कलर के थे, एक डार्क कलर के और एक व्हाइट कलर के। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय पर लाइकेन पेड़ को पूरा ढका हुआ था, तो अब आसानी से बताइए जब चिड़िया आती होगी तो ब्लैक और व्हाइट लाइकेन में व्हाइट वाला तो छुप जाता होगा, कैमोफ्लेज कर लेता होगा अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, क्योंकि लाइकेन भी व्हाइट और व्हाइट वाला मौत भी व्हाइट। तो बताइए इसमें आपको कौन सा मौत आसानी से दिख रहा, व्हाइट या ब्लैक? ब्लैक। तो प्रेडेटर अर्थात चिड़िया किसे ज्यादा खाएगी, ब्लैक या व्हाइट? ब्लैक। तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय पर ब्लैक वाले मौत की मात्रा क्या हो गई थी, कम, और वहीं पर व्हाइट मौत की मात्रा क्या हो गई थी, ज्यादा, क्योंकि व्हाइट वाले को वो पहचान नहीं पा रही थी, वो छुप जा रहा था। क्लियर? ये कब हुआ था, कब हुआ था? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर। भाई व्हाइट वाला छुप गया, ब्लैक वाला नहीं छुप पाया, ब्लैक वाला कंट्रास्टिंग करेक्टर ट्रेट दिखा रहा था, भाई ब्लैक एंड व्हाइट, मौत ब्लैक, चिड़िया पकड़ी, खा ली, कोई खत्म नहीं हुआ। हाँ, ब्लैक की मात्रा कम थी और व्हाइट की मात्रा ज्यादा था। क्लियर? लेकिन अब क्या हुआ मुन्ना, अब समय बदला, और जब समय बदला तो कायदे से देखना क्या हुआ, जब समय बदला अर्थात अब आ गया पोस्ट इंडस्ट्री, एक सेकंड बेटा, जब समय बदला अब आ गया पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, अर्थात 1920 के दशक की बात। इंडस्ट्रीज बहुत सारी लग गई, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, अब लाइकेन यहां ग्रो नहीं कर पाए, पूरे के पूरे पेड़ पर कालिख जमा हो गई, सूट जमा हो गया, और आपका पूरा पॉल्यूटेंट जमा हो गया, और अल्टीमेटली पेड़ कैसा दिखने लगा, व्हाइट की जगह अब ब्लैक। और जैसे ही पेड़ ब्लैक दिखने लगा, अब खेल पलट गया, अब व्हाइट आसानी से देखे जा सकते थे, समय सबका आता है दोस्त, अब व्हाइट आसानी से देखे जा सकते थे इन कंपैरिजन टू ब्लैक। ब्लैक तो छुप गए, उन्हें चिड़िया नहीं देख पाती थी। अब फिर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में क्या हुआ, व्हाइट पहचाने जाने लगे, अर्थात व्हाइट की मात्रा कम हो गई, और व्हाइट की मात्रा कम हो गई और ब्लैक की मात्रा ज्यादा हो गई, क्योंकि अब ब्लैक वाला कैमोफ्लेज कर ले रहा था। तो ये बताता है कि देखिए इन्वायरमेंट में चेंज होने से लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फर्क पड़ता है, एंड दिस इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में व्हाइट की मात्रा ज्यादा और डार्क की मात्रा कम। जैसे इंडस्ट्रीज लग गई तो कालिक वगैरह जो आपका डस्ट पार्टिकल थे, उन सबसे पेड़ के तने पूरे ब्लैक हो गए, लाइकेन खत्म हो गए, अब अल्टीमेटली व्हाइट वाले पहचाने जाने लगे, तो व्हाइट की मात्रा कम हो गई और डार्क की मात्रा ज्यादा। दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन की वजह से देखिए कितना बड़ा फर्क आया, अर्थात कभी किसी को फेवर कर रहा है एनवायरनमेंट, कभी किसी को फेवर कर रहा है। क्लियर? जो इवॉल्व कर लिया वो बचेगा, जो इवॉल्व नहीं कर पाया वो खत्म हो जाएगा। और ये भी देखा गया है, इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छा इसलिए माना गया कि रूरल एरिया जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी, रूरल एरिया जहां इंडस्ट्री लग गई वहां वो शहर बन गया। भैया इंडस्ट्रीज होगी तो वहां काम करने वाले वर्कर होंगे, भाई 10-20 हजार वर्कर होंगे तो बन गया पूरा शहर। अब
वहीं पर जब रूरल एरिया में देखा गया, रूरल मतलब गांव के एरिया में, गांव के एरिया में आज भी पोल्यूटेंट इंग्लैंड में कम था, और तो अल्टीमेटली देखा गया कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी गांव के एरिया में व्हाइट वाले ही ज्यादा थे, क्योंकि पोल्यूशन कम, पेड़ का तना व्हाइट, तो व्हाइट वाला छुप जाता था, ब्लैक वाला छुप नहीं पाता था। तो ये था हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो यहां पर लिखा हुआ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म अर्थात एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन की वजह से 1850 प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, इंडस्ट्रीज कम, पोल्यूशन कम, इंडस्ट्रीज कम, पोल्यूशन कम, पोल्यूशन कम, व्हाइट लाइकन ज्यादा, सीधी बात है व्हाइट लाइकन ज्यादा, तो व्हाइट वाले छुप जाएंगे इन कंपैरिजन टू ब्लैक, क्लियर। इसके बाद मैंने कहा पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 के दशक में पोल्यूशन ज्यादा, व्हाइट लाइकन कम, कम क्या खत्म थे, पूरा कालिक पुत गई थी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, व्हाइट मौत कम, डार्क वाले ज्यादा हो गए, अर्थात नेचर कभी किसी को फेवर कर रहा है तो कभी किसी के अगेंस्ट जा रहा है, क्लियर है यहां तक बात। अब अगली बात करते हैं, अब अगला है छठा, ठीक, इधर देखिएगा। अब हम आखिरी एविडेंस की बात करेंगे, आखिरी एविडेंस है रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, या बोल दो पेस्टिसाइड, या बोल दो मेडिसिन, या ड्रग्स, समझना बेटा। आज आप जो मेडिसिन खाते हैं वो एक्चुअली में उतनी इफेक्टिव नहीं जितनी शुरू में थी, क्योंकि जब आप हर्बिसाइड डालते हो या पेस्टिसाइड डालते हो या आपने किसी आपने कोई ड्रग्स खाया, तो भाई जो बैक्टीरिया जिसको मारने के लिए आपने ड्रग्स खाया, आपने अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज किया, आपने दवा खाई तो कुछ तो परिवर्तन आया बॉडी में। अब आपने एनवायरनमेंट चेंज किया, धीरे धीरे बैक्टीरिया लड़ते 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 इवॉल्व हो गया, ठीक है। अब भाई हम लोग कोरोना वायरस से क्यों डरते हैं, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और आरएनए में एवोल्यूशन तेज होता है, क्लियर। तो अब क्या हो गया, अब ये हर्बिसाइड पेस्टिसाइड ड्रग्स आप जब डालते हैं तो कीड़े मकोड़े जो थे अब उनके पास आ गई लड़ने की क्षमता, क्योंकि आपने एनवायरमेंट चेंज किया। अब कुछ मर गए, कुछ मर गए, अब जो बचे रह गए, समझिए मैंने क्या कहा, कुछ मर गए भाई, जो नहीं लड़ पाए वो मर गए, लेकिन कुछ ने अपने अंदर ले आया चेंज, और चेंज की वजह से हुआ क्या, चेंज की वजह से हुआ क्या कि जिन्होंने अपने अंदर परिवर्तन ले आया वो बच गए, और परिवर्तन लाओगे तो सीधी बात है लक्षणों में क्या करेंगे आप, चेंज, लक्षणों में चेंज करेंगे तभी आएगा परिवर्तन, क्लियर। अब लक्षण थोड़े बहुत चेंज हो गए तो नई नस्ल बनी, और बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो आपका क्या होगा बेटा, अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा तो सीधी बात है नई स्पीसीज बन जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो इतनी बातों से हमें ये समझ में आ गया है कि एवोल्यूशन कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। डायरेक्टेड प्रोसेस कहने का मतलब, अगर हम डिटर्मिनिज्म के सेंस में कहें, डिटर्मिनिज्म कहने का मतलब कि किसी पार्टिकुलर फिक्स नहीं है कि ये इवॉल्व होकर यही बनेगा, ये तो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है, अनेक संभावनाएं हो सकती हैं, अनेक संभावनाओं में से कोई एक संभावना होगी। भाई सीधी बात है एनवायरनमेंट किसी भी तरफ मूव कर सकता है, क्या पता प्रेडेटर की मात्रा बढ़ जाए, क्या पता प्रेडेटर की मात्रा कम हो जाए, क्या पता पानी की कमी पड़ जाए, क्या पता आपकी प्रे की एफिशिएंसी बढ़ जाए, क्या पता आपका स्पीसीज पानी में जाने लगे, क्या पता पानी से बाहर आने लगे, क्या पता उड़ना चाह रही हो। तो अर्थात इन्वायरमेंट अलग, देखो इन्वायरमेंट फिक्स नहीं है किधर जाएगा, किसे पता था 1920 में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, नहीं पता था। तो इसका मतलब अगर हम डिटर्मिनिज्म के सेंस में बात करें तो एवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, अर्थात तमाम तरीके के एनवायरमेंट हो सकते थे, उनमें से कोई एक घटना का होना कहलाता है स्टोकेस्टिक, अर्थात अनेक संभावनाओं में से कोई एक, अनेक संभावना थी, क्या पता इंडस्ट्रीज लगती, क्या पता ह्यूमन पोल्यूशन को लेकर और सजग होता और वो पोल्यूटेंट और कम कर देता, लाइकन और बढ़ जाते, व्हाइट मौत की मात्रा और बढ़ जाती, ब्लैक की और कम हो जाती। तो ये ध्यान रखना कि इन्वायरमेंट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन अब एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन फिक्स थोड़ी है भाई, एवोल्यूशन तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट आपका किस तरफ मूव कर रहा है, अर्थात जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होगा, चेंज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और जिस डायरेक्शन में एनवायरनमेंट का चेंज होगा उसी डायरेक्शन में एवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। तो एवोल्यूशन डिटर्मिनिज्म के सेंस में, सुनिश्चितता के सेंस में एक रैंडम हुआ, अर्थात कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ एनवायरनमेंट किसी ना किसी एक तरफ तो मूव करेगा, जिधर मूव करेगा उसी तरीके का एवोल्यूशन होगा। तो कह रहा है This also tells that evolution is not a directed process. कोई directed process नहीं है in the sense of determinism. It is stochastic process. अर्थात chance event up, भाई घटना किधर भी move कर सकती है। अब ये क्या है कि stochastic process है। Stochastic मतलब अनेक संभावनाओं में से कोई एक। Based on chance event in nature, अब by chance nature किधर move कर रहा है? Pollutant बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? And chance mutation in the organism. So
दिस इज कंप्लीट अबाउट इंडस्ट्रियल मैनेजम एंड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी मौत पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था. क्लियर? क्योंकि मौत की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत हाई है, जितनी तेज वो खाए जा रहे थे उससे ज्यादा ये बच्चे पैदा कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडाप्टिव रेडिएशन.